उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे नशे के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से एक रैली निकाली गई। इस रैली की अध्यक्षता राष्ट्रीय सचिव अनुपमा रावत ने की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने एसपी देहात पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। वहीं अनुपमा रावत ने कहा कि आज युवा बेरोजगार के साथ साथ नशे की लत से ग्रसित होता जा रहा है। राज्य सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है, वहीं राज्य सरकार ड्रग्स माफियाओं को भी बढ़ावा दे रही है, जिसमें युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए राज्य सरकार को नशा को लेकर मुहिम चलानी चाहिए ताकि युवा इस नशे से बाहर निकल सकें। पूरे उत्तराखंड में बढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, हरिद्वार क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बहुत गंभीर रूप से इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। गांव-गांव में इसका वो चल रहा है, तो इसके विरुद्ध आज जो है हमने यहां पर आए हैं और हमने यहां ज्ञापन सौंपा है और हमें उम्मीद है कि इसके लिए उचित कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही गलत वो है। एक तो बेरोजगारी चरम पर, उसके ऊपर से अगर हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारे समाज में लोग इस गलत लत के शिकार होते हैं, तो इससे बुरी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती हमारे राज्य को। ये क्या होगा ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। और रही बात, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, मैं पदाधिकारी हूँ महिला कांग्रेस की, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा जहाँ भी दायित्व होगा, जो मेरी जिम्मेदारी है, उसको मेरे को निभाना। नशे के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से एक रैली निकाली गई है। आपको बता दें कि इस रैली की अध्यक्षता राष्ट्रीय सचिव अनुपमा रावत ने की है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने एसपी देहात कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी दिया है। वहीं अनुपमा रावत ने कहा है कि आज युवा बेरोजगार के साथ नशे की लत से ग्रसित होता जा रहा है। राज्य सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है, वहीं राज्य सरकार ड्रग्स माफियाओं को भी बढ़ावा दे रही है, जिसमें युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए राज्य सरकार को नशे को लेकर एक मुहिम चलानी चाहिए ताकि युवा इस नशे से बाहर निकल सके।